पे हमने निकाल दिया गेम पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं मुझे क्या पता, क्या पता नहीं है, कर जा के जा रहे हैं। अरे तू जा रही है अपने दोस्त के पास, उसकी एंगेजमेंट हुई है, तो हमें बताया नहीं, बिल्कुल छुपकी है उसने एंगेजमेंट। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रही है, तो आज हम उसके पास जा रहे हैं, उसने हमें इनवाइट किया है। तो चलो भाई अब जाते हैं, निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ये भाई ये हमारे पहाड़ की छोटी छोटी रोड है, रास्ते पता नहीं है, सुबह से यही गली में घुमा रहा है। बाबूराव का स्टाइल है, अजीबा सड़े है यार। मैंने आपको बोला इस तरफ नहीं आ गया है भाई, ये सुबह से ये गलत रास्ते में घुमा रहे, पता नहीं कहाँ लेके आ गया। तो मैं इसको एक रास्ता बता तो ये मुझे दूसरा बता रहे तो नहीं, या मुझे छोड़ो या तुम अपना रास्ता बताओ। ये देखो यहाँ भी रास्ता बंद है, मुड़ जाओ यार। खान नमा बेरा भाई, ये सुबह से गलत घुमा रहे हैं मुझे, इसको घर पता नहीं है, कभी एक जगह लेके जा रहा है, कभी दूसरी जगह लेके जा रहा है। शेख बखी सी हूँ योगा जो वही तख्त हो, हमारा लीडर नवाज शरीफ। इसके साथ कहीं जाने ही बेकार है, कभी एक घर पे गलत लेके जा रहे। यार रास्ता तूने बताया, आया मैं हूँ। इसका पता वो निकले, वो बंद नहीं कर रहे वो। यार पूरे राजगीर बांडे हम पे रहे आपके पीछे, आज हम पूरे राजगीर बांडे में घूम रहे थे सुबह से। हाँ इसने एंगेजमेंट किया है, हमें बताया ही नहीं है कि यार आ जाओ या हमारे तरफ से इन्वाइट हो। कौन है ये लोग? एंगेजमेंट कर लिए, फिर हमें मैसेज किया कि यार मेरी एंगेजमेंट हो गई। यार ये कैसी बात हुई यार, ये कौन सा सीन? ये तो हो गया प्रोग्राम, मुड़ गई। बताओ क्यों हमें नहीं बताया यार? क्यों नहीं बताया यार, दो तीन बार बताया यार हमें, तो कोई ना एसएमएस है ना कुछ बताया, इस बंदे भी नहीं बताया, क्या कर रहे हो इधर? देखो इधर इंसान इतना बताता है कि यार एंगेजमेंट है यार, आपको तो हम कौन सा खाना खाने आते हैं? चुप कर बे कुत्ते, हमें खाने भी बुलाए हुए हैं या हमें यहाँ गेम करवाने? कुछ तरीका है भीख मांगने का भाई? हमें कॉल किया कि मेरी तरफ से आप लोगों को प्रोग्राम है ना, आ जाओ, हमें बुलाया प्रोग्राम पे, और यहाँ पे हमें निकाल दिया गेम पे। वाह भाई ये तो प्रोग्राम का टाइम नहीं है ना, ये प्रोग्राम का टाइम है, प्रोग्राम तो उड़ गया। ये साहब किधर लेके जा रहे हो भाई? खाना खिलाओ, इंशाल्लाह भी जा रहे हैं, लेकिन अभी एक गड़ियाली डैम जा रहे हैं। ये क्या भाई खराब कर दिया लाइफ ना, ना आगे तो चेक करो भाई, चेक का कर रहा डैम है। अच्छा चल बाप ना बनवा, हमें पता है ये तो अभी अड्डे में आगा गिसा था। यहाँ पे हमें ले आए हैं, किधर है शेखा? शेखा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं आ रहा। ये हमारे ऊपर इसने प्रोग्राम किए, वहाँ से हमें बोला है, यहाँ पे कहते प्रोग्राम मैंने देना, ये छोटा सा प्रोग्राम एक पेप्सी। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? बड़ा प्रोग्राम है, किधर है बड़ा प्रोग्राम करते हो यार? नहीं अभी किधर है? लास्ट टाइम में प्रोग्राम में फिट हो गए, इसके दिल पे जरा हाथ रख के डांस कर रहे हैं। चल वीडियो ऑन कर दूं, इधर क्यों बैठो बैठो। थैंक यू। तो भाई कैसे लग रहा है आपको? तो कैसे महसूस कर रहे हो बताओ ना यार, जेब से जब पैसे निकलते कैसे महसूस होते हैं बताओ? बाग की वापस आ गए, भी कह रहे हटाओ वीडियो, बताओ ना। ये अंजाम होता है मंगनी चुके करना, यही अंजाम होता है। अगर हमें बुलाया होता खाली एक मिठाई का डब्बा लेके चले जाते, बस बात खत्म। नहीं ये आपने हमें बताया क्यों नहीं, ये बताओ ये नहीं बताया यार, कब बताया यार, कोई मैसेज दिखाओ, कॉल दिखाओ। ये पता नहीं खुश है या अंदर से क्या बोल रहा होगा, पता नहीं।
प्रोग्राम हो गया। हाँ भाई बहुत मजा आ गया। बिल जमा करो। ये फंस गया सी है। ये क्या सीन है? इधर आओ बेटा, इधर आओ। ओ किधर भाग जाओ, इधर आओ। ये लो ये लो। ओ किधर भाग गए? प्रोग्राम वगैरह खा लिया इसका। हाँ कुछ खाओगे अभी? नहीं कुछ हो गया। फिर ये गलती नहीं करेगा दोबारा। ये जब शादी करेगा ना तो पहले हमको बताएगा कि यार इधर आओ। ए सुन सुन इतना बेटे बात सुन। फिर क्योंकि उसको पता है हम प्रोग्राम बढ़ेगा। चला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और चुप है। काफी भाई कह रहे थे कि यार बिलिंग का तरीका पता है, बिलिंग का टेबल पता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में यही बिलिंग की टिप्स वगैरह की, मतलब टिप्स वगैरह की चीज़ें बताऊंगा, तो इसमें न्यू व्लॉग में बनाऊंगा इंशाल्लाह। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़।